लेट अस स्टार्ट विद द लेसन। बेटे हमारा जो पाठ है पाठ सिक्स, कविता नंबर सिक्स, भगवान के डाकिए। अब भगवान के डाकिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है बेटे, देखो एक बात ध्यान से समझ लो, क्लास में अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो पर्पस सॉल्व हो जाता है बेटा। कहीं से छोटा मोटा कोई भी प्रश्न बन के आ जाए तो आप उसका जवाब दे पाते हैं, अगर आप ध्यान से अटेंटिव होके सुन रहे हैं तो। अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप कहीं से, माई वॉइस इज नॉट क्लियर, अद्वी मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है तो फिर आपके प्रॉब्लम होगी बच्चे, ठीक है। तो बच्चे भगवान के डाकिए, सबसे पहला प्रश्न होता है डाकिया होता गया है आजकल के इंटरनेट के जमाने में, आजकल के बच्चे डिजिटल जमाने में जब आप फोन और लैपटॉप से और टैब से बात करते हैं तो डाकिया जो है ना एक बहुत बड़ी समस्या से ही नजर आती है। डाकिया क्यों होता था, क्या होता था? डाकिया होता था बच्चे जब हमारे पास ये मीडिया विजिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, वो हमें संदेशा ला कर देता था। यानी एक जगह से आप अपने नानी माँ की खैर खबर चाहते हैं, आप अपनी दादी की खैर खबर चाहते हैं, तो आपको संदेशा कहाँ से मिलेगा? When you are not having any internet connection, when you are not having digital connections, तो उसके लिए क्या करना होगा? तब क्या होता था बच्चे, हम एक लेटर पैड निकालते थे, उस पे लिखते थे आदरणीय दादी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? आदरणीय दादी जी कैसे हैं आप? कैसी हैं आप, ठीक है, और आशा है आप सकुशल होंगे, हम भी यहाँ पर सकुशल हैं, हम भी यहाँ पर सकुशल हैं। फिर उनसे हालचाल पूछना, आप कैसी हैं, दादाजी कैसे हैं, घर में सब कैसा है, है ना, हम अगले महीने आपके पास आने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह का पत्र लिखकर हम भेजते थे और वो पत्र डाकिया लेकर जाता था, और जो हमारे लव वंस हैं उस पत्र को पाकर चूमते थे, बहुत खुश होते थे। और आजकल क्या है, आप फटाफट मैसेज कर देते हैं, जैसे अभी रिदम ने मुझे मैसेज किया, मैम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, है ना, मैसेज। हेलो हेलो हेलो, क्या करो? मैसेज देने का और मैसेज लेने का तरीका बहुत ही सिंपल हो चुका है। मैसेज लेने और मैसेज देने का तरीका बहुत सरल सिंपल हो चुका है। तो बच्चे हमें इसमें, इस कविता में यही पढ़ना है कि ये तो डाकिया आर्टिफिशियल हम लोगों की चिट्ठियां लेकर जाता था, देता था, लेकिन कुछ डाकिये भगवान ने छोड़े हुए हैं, कुछ डाकिये भगवान की तरफ से आए हुए हैं। वो तीन डाकिये कौन कौन है? पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। देखते हैं हम इस कविता में पढ़ते हैं कि भगवान के डाकिए कौन कौन हैं। पहला प्रश्न ही ये बनता है, कवि और कविता का नाम, फिर भगवान के डाकिए कौन कौन हैं, दो प्रश्न हो गए हमारे, कवि और कविता का नाम, कविता का नाम भगवान के डाकिए, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, और भगवान के डाकिए कौन कौन है ये हम कविता का पठन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वांछते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। वेरी शॉर्ट पोएम, आधुनिक कविता, सरल भाषा में लिखी हुई कविता, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि किसी और लैंग्वेज का उठाया हुआ है, ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता है ये, आजकल की हिंदी की कविता है। और दो भगवान के डाकिए बताए हैं, कौन कौन से? पक्षी और बादल, ठीक है,
भगवान के कौन कौन से डाकिये हैं? दो ही डाकिये हैं, पक्षी और बादल। नोट डाउन ऑन योर बुक, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। और इनका भेजा हुआ संदेश, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये, चलिए इमेजिन करते हैं, आज मौसम बाहर अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बादल भारत से ही बने, पंजाब से ही पैदा हुए और पंजाब में ही गिरेंगे, या हो सकता है पाकिस्तान से आए हो, एक देश से, क्योंकि बेटे आपको पता है लाहौर और अमृतसर में उतना ही डिस्टेंस है जितना फुगवाड़ा और जलंधर में, ठीक है, सिर्फ बीच में एक वायर है, लोहे की एक वायर है जो हमें अलग करती है, अदरवाइज दोनों प्रदेश बिल्कुल साथ थे और कभी एक थे। तो भगवान ने जो नेचर बनाई वो सबके लिए बनाई, जो फेंसिंग की हुई है ना बेटी हम लोगों ने की हुई है, ये जो बंटवारा है ना, ये मेरा है हिस्सा, जैसे आप लोग स्कूल में आते थे तो कई बार झगड़ के आप बंटवारा करते थे, क्या बंटवारा करते थे आप, बेंच का भी लाइन लगा लेते थे, ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा आपका है, आप इधर नहीं आओगे, हम इधर नहीं आएंगे, है ना, एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हुए भी उसका बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटे ये बंटवारा जो है ये इंसान ने किया है, भगवान ने नेचर बनाई है, अब वहां पे बादल बने, उड़ के लाहौर से अमृतसर में आ गए, किसी को क्या पता, वहां के बादल इधर आ जाते हैं, यहाँ के पक्षी उधर चले जाते हैं, उनके लिए तो बंटवारा नहीं है ना बेटे, वो भगवान के डाकी हैं, एक तरफ का संदेश दूसरी तरफ लेकर आते हैं। और साइंस में आपने पढ़ा कि पोलन्स भी, बीज भी, जो ये पक्षी है ना, ये उठा के ले आते हैं, इनके थ्रू भी सैपलिंग होती है, इनके थ्रू भी हमारे बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब सीधी स्पष्ट कविता पे आइए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, समझ में आ गया, पक्षी और बादल ऐसे दूत हैं जो भगवान ने भेजे हुए हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए, एक तरफ का संदेशा दूसरी तरफ ले जाने के लिए, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। क्या वर्ड मैंने बोले, ये भगवान के दूत हैं, भगवान के भेजे दूत, नंबर वन, ठीक है, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं, क्लियर बच्चे, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम सब समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं, बांचते हैं मींस पढ़ते हैं, पढ़ पाते हैं, यानी बादल जो संदेशा लेके आते हैं, पक्षी जो संदेशा लेके आते हैं, उन्हें पेड़ों पेड़ पौधे और पहाड़ पढ़ पाते हैं, यानी बादल आए पक्षी आए ये इनके लिए बेनिफिशियल है, पेड़ों के लिए पौधों के लिए और पहाड़ों के लिए, ओके क्लियर है। इसके बाद हम तो केवल ये आंकते हैं, हम तो सिर्फ इतना आंकते हैं, मीन्स आंकते हैं मीन्स मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन मीन्स मूल्यांकन मीन्स चेकिंग, मूल्यांकन मीन्स चेकिंग, या इतना हम समझ पाते हैं, ठीक है, हम इतना मूल्यांकन करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सुगंध भेजने का कार्य भी एक देश की धरती से दूसरी, यानी अगर वहां कुछ खुशबूदार हो रहा है तो यहाँ आ ही जाएगा, यहाँ कुछ खुशबूदार हो रहा है तो वहां चला ही जाएगा, चलिए खुशबूदार शायद हमें समझ ना आए, सपोज करो किसी एरिया में आग लगी हुई है इस कॉर्नर में तो उसकी जलने की स्मेल उधर भी जाएगी, ठीक है। तो और यह सौरभ हवा में तैरते हैं, खुशबू के ये जो है ना ये हवा में लहराते हैं, खुशबू की जो तरंग है वो हवा में लहराती है, पक्षियों की पंखों पर तैरता है,
ये जो पानी की बूंदे हैं पक्षियों के पंखों पर गिरती हैं, पंखों पर तिरता है। तिरता है मतलब जैसे ये सपोज एक लीव है, लीव के ऊपर ओस की बूंद गिरी हुई है, ये तैरती है, तिरता है इसको कहते हैं। ठीक है, पक्षियों के पंखों पर जो पानी की बूंदें गिरती हैं बादलों की लाई हुई, वो तैरती हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक देश से बादल उठते हैं और दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। बादलों के लिए ये सीमा रेखा कुछ नहीं है। ओके, एक वर्ड ये हाईलाइटेड है, ये दूत है, और एक ये है सीमा रेखा, कोई चीज नहीं है। ये दो शब्द जो है हमें खास ध्यान में रखने हैं। ठीक है, भगवान के डाकिये मीन्स भगवान के दूत, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है। ये पूरे मैसेजेस, पूरे संदेश एक देश के दूसरे देश को देते हैं। वहां हवा चल रही है तो हवा तैर के इधर आ जाएगी, वहां बादल बने हैं तो बारिश यहाँ हो जाएगी। पेड़ पौधे खूब इंजॉय करते हैं इस चीज को। ठीक है, पेड़ पौधे और पहाड़। वी हैव लर्न फाइव वर्ड्स, कौन कौन से? पहला पक्षी, इधर जाएगा नहीं, मिटाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वर्ड पक्षी, पक्षी, पक्षी और बादल, ये दो शब्द हैं जो भगवान के दूत हैं। और तीन शब्द हैं, कौन कौन से शब्द? पहाड़, पेड़ पौधे, बस पेड़ पौधे तो इकट्ठा वर्ड ही है, चार वर्ड ही है। ये दोनों इन चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं और ये दोनों मैसेज लाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, पहाड़ और पक्षी और बादल। ठीक है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, पहाड़ और पेड़ पौधे इन चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। शुड वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स? क्वेश्चन आंसर्स, आज वैसे भी होमवर्क डे है हमारा, तो आज प्रश्नोत्तर करने होंगे आपको पेयर कॉपी पे। तो एक दो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, वैसे तो सारे हो जाएंगे, स्टिल वी आर हैविंग 10 मिनट्स। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए, भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो यही है दो लाइनें, देखिए, ये भगवान के बेचे दूत हैं, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती। दीज टू लाइन्स आर द आंसर्स। ठीक है, क्लियर बच्चे? यही दो पंक्तियां आंसर हैं कि भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो एक प्रदेश का संदेशा दूसरे प्रदेश में लाते हैं, इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर बताइए। केवल पहाड़ और पेड़ पौधे। ठीक है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पहाड़ और पेड़ पौधे पढ़ पाते हैं। क्यों? क्यों अगर हो, यहाँ पे नहीं है क्यों, आपको क्यों का आंसर नहीं लिखना, लेकिन अगर क्यों हो तो यही है आंसर। ठीक है, यही दो जो मैंने कीवर्ड्स दे दिया आपको, यही आंसर है। किन पंक्तियों का भाव है? थर्ड क्वेश्चन, यानी इट इज एक्सप्लेन्ड इन विच लाइन। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दिस इज द व्याख्या ऑफ द वर्ड्स। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। यही इसकी व्याख्या है। यानी हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, लेकिन हमें इसे हाईलाइटेड कर लेना है। ये क्वेश्चन का आंसर बन सकता है
पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्या संदेश भेजते हैं? लिख लो क्वेश्चन। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्या संदेश भेजते हैं? आर यू राइटिंग दिस क्वेश्चन? पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्या संदेश भेजते हैं? कौन सा संदेश भेजते हैं? प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश। यानी ये क पार्ट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच आई फ्रेम्ड फॉर यू, जो मैंने अभी बनाया उस प्रश्न का उत्तर है कि पक्षी और बादल क्या संदेश लाते हैं। अगला है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये सेकंड पैराग्राफ का है, ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ का है। ये प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, यानी प्रकृति के लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, ठीक है, एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे और पहाड़ प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ख ख इज आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ख है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ख है, ठीक है बेटे। बस क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम आई कैन अनम्यूट यू now and you can discuss your problem with me, okay? I can unmute you. बिना बात के अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, अगर required है तभी अनम्यूट करेंगे, otherwise the poem is very much clear to you all. Okay.